स्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनीति शर्मा। आज मैं आपको कोफ्ता करी बनाना बताऊंगी। यहाँ मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम होता है जब तक हम अपने कोफ्ते बनाते हैं। यहाँ मैंने 5 ब्रेड के पीस लिए हैं। इनके मैं पहले किनारे निकाल लूंगी। यहाँ मैंने ब्रेड के किनारे निकाल दिए हैं। इसको मैं पानी में डालकर निचोड़ूंगी, इसका सारा पानी निकाल दूंगी। ब्रेड को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। इसमें एक बड़ा चम्मच में मैदा डालूंगी, 1/4 चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च डालूंगी, 1 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया इसमें डालेंगे, 1 चुटकी खाने वाला सोडा इसमें डालूंगी, 1 चुटकी नमक इसमें डालेंगे। ये मेरे पास फिटा हुआ ताजा दही है, ये भी हम इसमें डालेंगे। ये हम इतना डालेंगे जितना हमारा कोफ्ता तैयार होगा। इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। ये कोफ्ते का डो आटे की तरह होना चाहिए। अब मैं इसके कोफ्ते बनाऊंगी और कोफ्ते के बीच में मैं 2-3 किशमिश रखूंगी। और मैंने ये तैयार कर लिया है किशमिश भरकर। यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसको कम गैस पर तलेंगे। ये कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इन्हें अब मैं एक प्लेट पर निकालूंगी। यहाँ मैंने पैन में 2 चम्मच तेल लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है। इसमें मैं 1/2 चम्मच जीरा डालूंगी। 2 तेज पत्ते के मैंने टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम टमाटर लिए हैं। हरी मिर्ची, अदरक, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर भी इसमें डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी इसमें डालेंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। 1 चुटकी में इसमें चीनी डालूंगी। अब ये टमाटर हमारा अच्छे से भून गया है। 1/2 कप मैंने ताजा फिटा हुआ दही लिया है, वो भी मैं इसमें डाल देंगे। इसको हम अच्छे से और भूनेंगे। ये मसाला हमारा भून चुका है। यहाँ मैंने 1/2 कप लौकी की प्यूरी ली है। मैंने लौकी को लेकर छील लेने के बाद उबालकर मैंने इसकी प्यूरी बना ली है। इसको भी हम इस मसाले में डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला इसमें डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला भी मैंने इस मसाले में डाल दिया है। स्वाद अनुसार नमक हम इसमें डालेंगे। इसको 2 मिनट हम और पकाएंगे। यहाँ मैंने 1 मीडियम उबला आलू लिया है, उसके मैंने पीस कर लिए हैं, वो भी हम इस प्यूरी में डाल देंगे। 1/4 कप मैंने उबली हरी मटर ली है, वो भी हम इस सब्जी में डाल देंगे। 2 चम्मच मैंने पनीर के पीस लिए हैं, वो भी हम इस प्यूरी में डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, जो हमने कोफ्ते बनाकर रखे थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे बिल्कुल कम गैस पर 1 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, गैस को हम ऑफ करेंगे। कोफ्ता करी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी जो मैंने काट कर रख लिया था। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में रखेंगे। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर कद्दूकस करके डाल दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। अब हम इसे सर्व करेंगे। लीजिए, हमारी कोफ्ता करी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म नान और चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं।